तो कैसा हो एक सुनसान रात में जो आपकी ट्रेन है जिसमें आप ट्रैवल कर रहे हैं वो अचानक से बंद पड़ जाए, और कैसा हो कि फिर वो ट्रेन बीच जंगल में खड़ी की खड़ी ही रह जाए। तो इसी स्टोरी पे बनी हुई है मूवी हॉल। ये 2015 में रिलीज़ हुई है और बहुत ही बेहतरीन है अगर आप फैन हो वेयरवुल्फ मूवीज़ के। तो आज के इस काउंटडाउन में नंबर 10 पे है हॉल, और स्टोरी है बहुत ही बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर और एक्टिविटी के साथ। यानी कि अगर आप पैसेंजर ट्रेन में फंस गए और जंगल से आप पे अटैक होने लग जाए तो आपको कैसा फील हो, और फिर धीरे धीरे आपका शिकार हो रहा है ट्रेन के अंदर और आप चाह के भी कहीं नहीं जा सकते क्योंकि ट्रेन तो बंद पड़ी है, और ट्रेन से बाहर जाओगे तो फिर तो मरना पक्की बात है। तो इसी चीज़ को दिखाती हुई ये मूवी पूरे सस्पेंस थ्रिलर एक्शन से पैक्ड है, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगने वाली है। इसको आपको एक बार मस्ट ट्राई तो करनी ही है अगर आपको वेयरवुल्फ के जेनर में घुसना है। तो अगर आपको पुराने टाइम का हॉलीवुड पसंद है और आपको कल्ट फिक्शन पसंद है तो ये मूवी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। कर्स्ड मूवी में स्टोरी है दो भाई बहन की जो कि एक दिन रात को जा रहे होते हैं और अचानक ही उनकी कार के सामने कोई आ जाता है और फिर उन पर अचानक से हमला हो जाता है और उन्हें लगता है कि जंगल के किसी जानवर ने उसमें हमला कर दिया है। लेकिन धीरे धीरे उन पर चेंजेस आने शुरू होते हैं, और जैसे जैसे ही पूर्णिमा की रात पास आ रही है वैसे वैसे ही वो अजीब से होते जा रहे हैं, वो कच्चा मीट खा रहे हैं, उन्हें अजीब सी फीलिंगें आ रही है, और ये फीलिंगें धीरे धीरे कॉमिक्स पढ़ने वाले उस लड़के को रियल में ही भेड़िया जैसा फील करा रही है, और उसे लग रहा है कि वो धीरे धीरे भेड़िए में चेंज होने वाला है। यानी कि वन ऑफ द बेस्ट सिनेमाटोग्राफी के साथ आपको ये मूवी बहुत पसंद आएगी। हालांकि ये थोड़ी पुरानी है, 2005 की है, तो ये आपको थोड़ी सी अजीब लग सकती है क्योंकि इस हाई डेफिनेशन के ज़माने में 2005 की मूवी थोड़ी सी आउटडेटेड लगती है, लेकिन मूवी का कॉन्सेप्ट अपने ही आप में वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आपको वेयरवुल्फ की मूवीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और वेयरवुल्फ का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छाया हुआ है, और साथ ही साथ आपको लेना है शेरलॉक होम्स का तड़का, तो ये मूवी सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। 2019 में लिंडसे लोहाना स्टारिंग अमंग द शैडोज। यानी कि स्टोरी है एक ऐसी लड़की की जिसके अंकल का खून हो चुका है, या फिर यूँ बोल दीजिए कि वेयरवुल्फ ने उन पर अटैक कर दिया है, और वो लड़की खुद भी एक वेयरवुल्फ है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। यानी कि वेयरवुल्फ प्लस पॉलिटिकल प्लस एक्शन प्लस थ्रिलर सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। और यह मूवी ठीक ठाक है, मुझे कोई खास पसंद नहीं आई पर ओके है, लेकिन वेयरवुल्फ के लिए आप इसे देख सकते हैं और ये आपको अच्छी लगेगी क्योंकि एक्टिंग से लेके परफॉर्मेंस सब बेहतरीन ही है। नंबर 7 पे हमारे पास है द वुल्फ ऑफ स्नो हॉलो, और इसकी जो विजुअलाइजेशन है वो वन ऑफ द बेस्ट है। एक गांव में अटैक हो रहे हैं और लोग मर रहे हैं धीरे धीरे, और सेल्फ बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसे लग रहा है कोई मर्डर मिस्ट्री है, लेकिन ये जो अटैक हो रहे हैं ये पूरे के पूरे जानवर ही वाले हैं, और फिर धीरे धीरे जब रहस्य खुलता है तो वेयरवुल्फ तो आ ही जाएगा क्योंकि वेयरवुल्फ का ये काउंटडाउन है। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, और अगर आपको मॉडर्न वेयरवुल्फ पे मूवी चाहिए तो ये 2019 में रिलीज़ हुई है। मॉडर्न मूवियाँ वेयरवुल्फ में कमी बन रही है और बेस्ट मूवियाँ तो बहुत ही कम बन रही है। ये मस्ट ट्राई है, इसकी एक्शन कॉमेडी हॉरर सब इसमें पूरा का पूरा तड़का भरा हुआ है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। नंबर 6 में हमारे पास है वेयरफुल बीस्ट अमंग अस। द वुल्फ मैन जो फ्रेंचाइजी थी मॉन्स्टर यूनिवर्स को लेके, यूनिवर्सल वालों की क्लासिक को, सारे के सारे रीबूट फ्रैंकस्टाइन से लेके जो भी उनके कैरेक्टर थे वैन हेल्सिंग वगैरह सब, लेकिन द वुल्फ मैन का बजट इतना लो गया कि उन्होंने फ्रेंचाइजी ड्रॉप मार दी है। सुनने में आया है कि दोबारा से उसे रिबूट करेंगे जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि मुझे मॉन्स्टर यूनिवर्स देखना तो बनता ही है। और इसमें उन्होंने एक स्पिन ऑफ बनाई ये वाली मूवी जो कि ओके है, मुझे कोई खास पसंद नहीं आई, लेकिन आप इसे देख सकते हैं, एक्शन सीक्वेंस वगैरह सब अच्छे ही हैं और बेहतरीन। तो आज के काउंटडाउन पे नंबर 5 पे हाउलिंग पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी। इसमें आपको कम से कम 8 या 9 मूवीज़ देखने को मिलेंगे, लेकिन वो सारे के सारे 80s से लेकर 90s के टाइम के थे जो कि अब ज़्यादातर लोग देखना पसंद नहीं करते, तो इसलिए हाउलिंग रीबॉर्न जो कि 2011 में आई थी, लेकिन इसका प्रिंट भी पुराना सा ही लग रहा है देखने के बाद, और आपको पसंद आए ना ये प्रिंट की बात है, लेकिन स्टोरी वन ऑफ द बेस्ट है। एक ऐसी लड़की जिसके आप प्यार में पड़ गए हो और जब आप क्लब में उसके साथ जाते हो तो आपको पता चलता है कि वो तो बिलोंग करती है एक वेयरवुल्फ दुनिया से, और फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी में क्या चेंजेस शुरू हो जाते हैं उस लड़की के साथ रहने से, और आप किन किन सिचुएशनों में फंसना शुरू हो जाते हैं, यही सब इस मूवी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। हॉलिंग यूनिवर्स को जानने के लिए ये रिबॉर्न देखना तो मस्ट है, साथ ही साथ आप इसकी प्रीवियस मूवी देख
देख सकते हैं अगर आप कल्ट के फैन हो, यानी कि फ्रेडी क्रूगर या फिर फ्राइडे द 13th जैसी मूवियों के अगर आप फैन हो तो ये फ्रेंचाइजी आपको काफ़ी हद तक उसी तरीके से लगने वाली है। बस वेयरवुल्फ का इसमें जैनर है जो कि वन ऑफ द बेस्ट है, 80s के टाइम पे सुपर डुपर हिट फ्रेंचाइजी रही है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनी भी गई है 80s वाली। तो अगर आप वेयरवुल्फ के तकड़े वाले फैन हो तो ये मूवी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। नंबर 4 पे हमारे पास है डायलन डॉग और मेरा फेवरेट ब्रैंडन रॉक की मूवी जो कि सुपरमैन रिटर्न में भी थे। सुपरमैन रिटर्न फ्रेंचाइजी चल नहीं पाई और इनकी एक्टिंग फेल रह गई और उसके बाद ये आए लीजेंड्स ऑफ टुमारो में या फिर आप बोल सकते हैं एटम के रोल में एरो में। पर बात अगर इस मूवी की करें तो ये मूवी फुल ऑन सुपर नेचुरल क्रिएचर से भरी हुई है और अगर आपको एक्शन पैक कॉमेडी प्लस हॉरर प्लस एक्शन देखना है तो ये मूवी सिर्फ आपके लिए है। वेयरवुल्फ से लेके इसमें आपको हर एक कैरेक्टर मिलेगा जो कि आपको बिल्कुल बिंज वॉच करने पे मजबूर कर देगा, 2 घंटे का आपको पता ही नहीं चलेगा। मूवी इतनी बेहतरीन बनाई हुई है, इस मूवी के 2 पार्ट आ चुके हैं और आप दोनों ही पार्ट्स को ट्राई कर सकते हैं जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग है अपने आप में। तो अगर वेयरवुल्फ की बात हो रही है और वैम्पायर डायरी ओरिजिनल और लेगेसी की बात ना हो तो ये तो अपने में नाइंसाफी हो जाएगी। तो मैंने अपने टीनेज में वैम्पायर डायरी के सातों सीजन देख ही लिए थे और आजकल के बच्चे इसे नेटफ्लिक्स में देख ही रहे हैं क्योंकि नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं वैम्पायर डायरी स्टेफन और सेल्वेटॉर ब्रदर की ये कहानी वेयरवुल्फ से कनेक्टेड है जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारे सीजनों में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर क्लाउस की एंट्री होगी है तो फिर आपको ओरिजिनल देखना पड़ेगा और अगर आपको वैम्पायर वेयरवुल्फ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप देखना इसे बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। तो ओरिजिनल और ओरिजिनल के बाद भी लेगेसी ख़त्म नहीं होती है और फिर हमारे पास पिछले साल से नया शो आ जाता है लेगेसी नाम से, 3 ड्रामा से भरी हुई ये, हर एक एपिसोड आप बिंज वॉच करते चलेंगे, इतना ही ऑसम बना रखा है इन्होंने ये वैम्पायर डायरी एंड ओरिजिनल एंड साथ ही साथ लेगेसी जो कि आपको बहुत ज़्यादा फेवरेट लगेगा। हर एक कॉन्सेप्ट हंटर वेयरवुल्फ और यहाँ तक कि वैम्पायर की लड़ाइयाँ जो कि हर एक आर्क से दिखा दी गई है। तो भाई अगर आपने बचपन में आरएल स्टैंस की बुकें पढ़ी है तो आप तो उनके फेवरेट ही रहे होंगे और आरएल स्टैंस के जो गूज बम्प्स देने वाली स्टोरियाँ थी वो वन ऑफ द बेस्ट थी और गूज बम्प्स मूवी में आपको आरएल स्टैंस के सारे ही कैरेक्टर बुक से बाहर निकल के आ चुके हैं और वो अपनी हरकतें कैसी कैसी कर रहे हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट है। वेयरवुल्फ से लेके हर एक स्नोमैन से लेके हर एक कैरेक्टर बाहर आ चुका है और ये आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा। कॉमेडी प्लस हॉरर का ये पंच आपको बहुत ही ज़्यादा फेवर लगने वाला है और इस मूवी के 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है और आप इसे ट्राई मार सकते हैं। और आज के काउंटडाउन की जो नंबर 1 मूवी है वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है। शुरू में तो मुझे समझ ही नहीं आई स्टोरी चल क्या रही है, ये आपको डराती है और साथ ही साथ आपको अनडिस्टर्ब करके रखती है क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कहानी में चल क्या रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये जब अनफोल्ड होती है तो ये एक अलग ही लेवल का हॉरर जेनर है जो कि आपको बिल्कुल ही अलग ही आउटस्टैंडिंग में लेके जाएगा, यानी कि 4 स्टोरियाँ मिलते 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 एक कंक्लूजन में आके रुकती है जो कि बहुत ही फैब लगती है देखने में और आपको ये एक मस्ट ट्राई तो देना ही पड़ेगा। मूवी का नाम है ट्रिक एंड ट्रीट। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट बॉक्स में बताइए अपनी फेवरेट मूवी और चैनल की प्लेलिस्ट में जाके मूवी रिव्यू और एडिट लिस्ट तो देखना बिल्कुल भी मत भूलिए जो कि वन ऑफ द बेस्ट ही है।